हाय फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आर्या करियर एकेडमी में आज हम बात करेंगे यू पी के एग्ज़ाम में जो 18 फरवरी को फर्स्ट में जो जो क्वेश्चन आए हैं तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं देखो तो जनरली कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसमें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एम एस वर्ड से दो से तीन क्वेश्चन आए हैं एम एस से तीन से चार क्वेश्चन आए हैं फुल फॉर्म तीन से चार आए हैं एम एस पावर पॉइंट से दो से तीन क्वेश्चन आए लिनिक्स से छः से सात क्वेश्चन आए लैंग्वेज से दो से तीन क्वेश्चन आए इनपुट आउटपुट से एक क्वेश्चन आया सीडी स्टोरेज से दो से तीन क्वेश्चन आया और अगर कन्वर्ट uh, की बात करें तो कन्वर्जन मीन्स बाइनरी, डेसिमल ऑक्टर हेक्सा डेसिमल फॉर्मूला बेस्ड से छः से सात आठ क्वेश्चन आया मेमोरी बेस्ड दो से तीन क्वेश्चन आया और बेसिक क्वेश्चन छः से सात आया है तो चलो हम देखते हैं बेसिकली जो क्वेश्चन हम याद कर सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया था तो इसमें पूछा गया था एल ई का फुल फॉर्म क्या होता है लाइट इमिटेड डायोड इसका फुल फॉर्म होता है डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू आप लोगों को पता ही होगा वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है स्कैनर से आया था कि किस स्कैनर किस टाइप का डिवाइस है इधर इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है तो ये बेसिकली स्कैनर इनपुट डिवाइस है और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं मदरबोर्ड के तो आप लोगों को पता ही होगा इसका सीपीयू होता है मेमोरी होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस लाइक स्कैनर प्रिंटर जो भी है तो वो सब मदर बोर्ड के कंपोनेंट होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था पहला आंदोलन महात्मा गांधी का कौन सा था तो इनका पहला आंदोलन सत्याग्रह था उन्नीस में जो स्टार्ट हुआ था चंपारण में कि बिहार बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में उसके बाद क्वेश्चन आया था कि टीम इंडिया कौन सी टीम ने मैक्सिमम वर्ल्ड कप जीता है तो इसका आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया अभी तक पा, टोटल पाँच बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है नेक्स्ट क्वेश्चन था टेम्परेचर सर्फे मींस इसका सन का सरफेस का टेम्परेचर कितना है तो इसका है सिक्स थाउजेंड डिग्री सेल्सियस अगर हम बात करें रीजनिंग की अतः रीजनिंग ब्लड ब्लड रिलेशन से छः से सात क्वेश्चन आए थे कोडिंग डिकोडिंग से तीन से चार क्वेश्चन आया था सेटिंग अरेंजमेंट से दो से तीन क्वेश्चन आए थे और मिसिंग वर्ड्स से तीन से चार क्वेश्चन आया था सीरी सीरीज से छः से सात क्वेश्चन आए थे क्लॉक से तीन से चार क्वेश्चन आए थे डाइज से एक क्वेश्चन आया था मिरर से एक से दो क्वेश्चन आए थे इमेज से दो से तीन क्वेश्चन आए थे डायरेक्शन की अगर बात करें तो इससे दो से तीन क्वेश्चन था और कैलेंडर से एक क्वेश्चन था अगर हम जीके की बात करें तो जीके में हिस्ट्री में ए, एक से दो क्वेश्चन था पॉलिटी से दो से तीन क्वेश्चन था ज्योग्राफी से दो से तीन क्वेश्चन था जीएस से दो से तीन क्वेश्चन था स्पोर्ट्स का भी दो तीन क्वेश्चन था और करेंट अफेयर से भी एक दो क्वेश्चन था हार्डली लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट किए थे करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आया था लेकिन करंट अफेयर से हार्डली एक या दो क्वेश्चन आए थे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टोटल चार से पाँच पैसेज थे एक्टिव पैसे जिसमें बात करें तो दो से तीन क्वेश्चन थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो से तीन क्वेश्चन थे और कॉमन एरर का बारह से चौदह क्वेश्चन था एंटोमोनी दो एनटमोन ऑलमोस्ट तीन से चार क्वेश्चन थे एडम एक था ऑनवर्ड से एक से दो क्वेश्चन थे तो फील इन द ब्लैंक्स से कुछ क्वेश्चन आए थे दोस्तों तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ पेपर तो आ नहीं रहा है पारा जंबल से भी तीन से चार क्वेश्चन थे अगर फील इन द ब्लैंक्स की बात करें तो छः से सात क्वेश्चन थे तो दोस्तों अगर हम हिंदी की बात करें तो दो हाँ एक से दो था रिक्त स्थान में तीन से चार क्वेश्चन थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से तीन से चार क्वेश्चन थे पर्यावाची एक में था अगर अनलोम विलोम की बात करें तो तीन से चार थे मुहावरे करीब पांच क्वेश्चन के आसपास थे संधि से दो से तीन थे समाज से एक से दो क्वेश्चन था क्रिया विशेषण से तीन से चार थे अलंकार से दो क्वेश्चन थे गंधार से तीन से चार क्वेश्चन थे उपसर्ग से एक क्वेश्चन था तो दोस्तों अगर आप सही से प्रिपरेशन किए हो तो एग्जाम बहुत टफ नहीं होगा कंप्यूटर से तो खैर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आप आपके लिए आपने अगर पढ़ाई की है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है थैंक यू दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें